सही सलामत हो, बोतल ले आते, बेफिक्र हो, तुम कांप रहे हो? आप डरो ना, डरो ना, कोई हमला है ना? तुम बोल के ले जाके इधर जंग, किधर से ला? जंगल में, जंगल तरफ ले के आ भैया, मेरे को घर को नहीं छोड़ रहे। बस आई उन लोग का पाँव नागे साई, दोनों पाँव पर तो बोले तभी नहीं छोड़ रहे, बेटे मैं हूँ, डरो ना, डरो रखो बेटा, मैं हूँ तुम्हारे, डरो रखो, कुछ भी नहीं होता, डरो रखो, डरो रखो, डरो रखो, आप डरो रखो, कुछ भी नहीं होता ना जिया। हाँ हाँ भैया, तुम बोले तभी नहीं नहीं छोड़ दे रहा भैया। आइए फिर नागेश भैया, नागेश दोनों भी आए भैया। वो भैया लोग का लेके आ रहे भैया चौरस से कर। घर को लेके जा रहा हूँ बेटा। आज का जो बेहद शर्मनाक वाकया है, तो संगारेड्डी के अंदर ये मासूम सी 8 साल बच्ची, इस बच्ची के साथ जो है यहाँ का मुकामी कुछ हिंदू लड़के जो है इस बच्ची को गणेश त्यौहार में गणेश दिखाने के बहाने यहाँ से लेके जाते हैं, और जो है बच्ची के साथ जो है कुछ गलत हरकतें करने की कोशिश करते हैं। तब मुकामी हिंदू भाइयों ने और मुसलमान भाइयों ने मिलकर इस बच्ची का तहफ़ किया और उस बच्चे को जो है सड़क पर पीटा गया। हम उसके बाद ये बच्ची के जो है घर वाले खुद पुलिस स्टेशन जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन के बाद। लेकिन शहर में आए दिन ऐसे वाक़यात, कल हाल ही में 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ मंगलहाट पुलिस स्टेशन के अंदर भी, जो है एक ऐसी 8 साल मासूम सी बच्ची के साथ ये वाक़या हुआ, और हैदराबाद में सईदाबाद के अंदर भी जो है एक ऐसे ही शर्मनाक वाक़या, वो भी 6 साल की 5 साल की बच्ची के साथ, जिसका नाम चित्रा था, वो बच्ची के साथ भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची का कोई जो है यानी बच्ची के साथ कोई गलत हरकत नहीं हुई। मुकामी हिंदू भाइयों ने और मुसलमान भाइयों ने मिलकर इस बच्ची का तहफ़ किया। यहाँ पर सख्ती से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इस वक्त तेलंगाना DGP की जिम्मेदारी बनती है, DGP महेंद्र रेड्डी साहब की जिम्मेदारी बनती है कि शहर में आए दिन हर दिन 1-2 दिन 8 दिन इस वैसे वाक़यात को, मासूम बच्चियों के साथ ये वाक़यात को सुनने में आता है, तो इससे ये पता चलता है कि लॉ एंड ऑर्डर की कमज़ोरी है। मैं बिल्कुल इस बच्ची से मिलने के बाद और ये बच्ची से तफसीलात मालूम करने के बाद बड़ी एक गुस्से वाली जो है फीलिंग हमारे दरमियान में आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जमहूरियत के अंदर रह के हमको काम करना है, तो हम जमहूरियत में रहकर हम DGP तेलंगाना से जो है हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ऐसे होने वाले मासूम से बच्चियों के साथ होने वाले वाक़यात के अंदर रोक लगाई जाए। कैसे रोक लगाई जाए वो आप बेहतर जानते हैं, हमसे बेहतर समझते हैं, लेकिन इस बात का भरोसा दिलाए तेलंगाना पुलिस कि ये मासूम से बच्चियों के साथ शहर हो, तेलंगाना, हैदराबाद हो, कहीं पर भी हो, ऐसे वाक़यात ऐसी बच्चियों के साथ ना हो। और मैं इनके माँ बाप को भी इस बात की ताकीद करता हूँ कि ये बच्ची को सड़कों पर ना फिराएं, ये बच्ची को जो है माँ, उनकी माँ होटल में काम करती है, उनके वालिद भी एक होटल में काम करते हैं, तो वो होटल में काम करने के बहाने ये बच्ची होटल के बाहर थी, तो माली तौर पर जो इमदाद हमसे बन सकती है, हमने अभी जो है माली इमदाद 10,000 रुपये की इस बच्ची को दी है, और ये कहा है, ये ख़ास तौर पर इस बात की पाबंदी लगाई है कि इस बच्ची को जो है सड़कों पर ना उतारा जाए, बच्ची को जो है घर में रखा जाए। घर भी नहीं है इनका, एक छोटी सी झोपड़ी है। तो मैं बहरहाल तेलंगाना पुलिस से मैं ये एक दर्दमंदाना अपील करता हूँ और मैं डिमांड करता हूँ कि ये मासूम से बच्चियों के साथ होने वाले वाक़यात पर तेलंगाना पुलिस एक ऐसा सख्त एक्शन ले और ऐसा सख्त जो है इसका पूरे तेलंगाना के अंदर ये जो दरिंदे फिर रहे हैं इनको एक मैसेज जाए कि ये फिर दोबारा इस किस्म से कोई हरकत ना करें। यही मेरा मुतालबा है और इस मुतालबे को लेकर मैं संगारेड्डी तक आया हूं, तो इसलिए मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि अपने बच्चों का तहफ़ करो, अपने बच्चों की हिफाजत करो, अपने बच्चों के साथ यानी कोई लोगों को अपने जो है यानी माशरे को देखो, माशरे के अंदर होने वाली बुराइयों को देखो और उस पर रोक लगाओ। जहां पर भी आपको ऐसा महसूस होता है तो तेलंगाना पुलिस तक आप फौरी तौर पर जो है इसका यानी कंप्लेन करें और उन... बता तो मिलकर लेकर
गणेश बाबा बता तुम उनके लेके आए कितनी देर हो, कब निकले बेटा तुम घर से? एक घंटा हुआ। यहाँ यहाँ तक कई को है? हाँ भैया, हाँ बेटे बोलो तुम। नहीं नहीं तुम डरो नको, तुम डरो नको, तुम डरो नको, तुम डरो नको, डरो नको तुम। अरे गाड़ी लेके जाओ, जाओ जाओ गाड़ी लेके जाओ। तुम डरो नको बेटा, हम है, हम है, हाँ हम है, हम है, डरो नको तुम, कुछ भी नहीं होता, हम है, डरो। ఏ కొట్టకొట్టే చచ్చకాలో సార్